रात को फिर पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड की बीसीजी टीम से हार गया भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा शर्म का मुकाम है खुदा की कसम। और मैच हारने के बाद ना एक क्लिप वायरल हुआ, मैच पे बात करते हैं। मैच हारने के बाद एक बच्चे की वो फोटो वायरल हुई है जिसमें वो रो रहा है, ठीक है। तो एक क्रिकेट फैन है कोई, वो रो रहा है। तो भाई ये आदत डाल लो, हमें तो कब से ये आदत पड़ चुकी है, हम तो डीट हो गए हैं। मतलब कि ना असी बिल्कुल ही सानू अब हारते हैं ना जब, मतलब अंदर से फील ही नहीं आती, बिल्कुल डीट हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम भी मेरी जान आहिस्ता आहिस्ता डीट हो जाओगे। लेकिन आप ये देखो कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मैच हारी किससे? न्यूजीलैंड की जी टीम से। मतलब उस टीम से मैच हारी है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है ना, जो वो नीशम का है, सबसे सीनियर प्लेयर जो है वो नीशम है। उस टीम से मैच हार गई है पाकिस्तान, उस प्लेइंग इलेवन से। अगर दूसरी तरफ देखो तो हमारी प्लेइंग इलेवन में टैलेंटेड मोहम्मद आमिर, टैलेंटेड शाहीन अफरीदी, नसीम शाह जैसा टैलेंटेड बॉलर, उसके अलावा बाबर आजम जैसा बल्लेबाज, इफ्तिखार अहमद जैसा फिनिशर है आपके पास, शादाब खान, जमात वसीम जैसे प्लेयर्स हैं, फिर भी आप लोग मैच हार गए। और सारे प्लेयर्स का माशाल्लाह से अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ नीशम है जिसके पास एक्सपीरियंस है, बाकी सारे नए बच्चे हैं, आप उनसे पहले जा रहे हो भाई साहब। तो ये इंतहाई जलालत का मुकाम है, समझ से बाहर है। पता नहीं कि तो आर्मी ने की इन्हों नू, खुदा की कसम है पाक आर्मी ने कड़ी इन्हों नू ट्रेनिंग दे दी है कि मैच जितने के बजाय हार ही जा रहे हैं। एक तो मैं उस बंदे का पता लगे ना कि जिस बंदे ने बाबर आजम को मशवरा दिता कि भाई तू कप्तानी है जी वो दोबारा वापस ले रहा। मतलब बॉबी बादशाह का आप पहले देख लो, कप्तानी से पहले बॉबी बादशाह की आप इस न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी जो, उसमें देख लो आपकी आप बॉबी बादशाह की परफॉर्मेंस भी देख लो, और बाबर जानी की आप स्ट्राइक रेट भी चेक कर लो, सब कुछ आप चेक करके देख लो। मैं कहता हूँ कि क्या जबरदस्त उस बंदे ने इनिंग्स खेली हैं, तो जो पीएसएल से पहले न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी। अब फिर वही सीन आ गया भाई साहब, बॉबी बादशाह को कप्तानी मिली है, फिर से बाबर भाई जो है वो प्रेशर ले रहे हैं कप्तानी का और नहीं सही से खेला जा रहा उनसे। तो बाबर जानी कहता तो है कि भाई मैं प्रेशर नहीं लेता, लेकिन 100 करो कि भाई साहब प्रेशर तो होता है कप्तानी का, ठीक है यार। खुदा की कसम है, मतलब समझ से बाहर है यार कि इड्डी इड्डी एक्सपीरियंस टीम किस तरह नवे बच्चियां को हार दिए भी, ठीक है। आप पहले तो बोर्ड पे इतना ज्यादा टोटल सेट करवा रहे हो, उसके बाद आप जो है वो चेजिंग की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपसे चेज हो नहीं पा रहा। पता नहीं यार की चल रहा है। इमाद वसीम कल आया, इमाद वसीम पे मैच, उसके बाद वो उस्मान जानी है वो यूएई में तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, इतने आ गया उन्हें पता नहीं की बीमारी पै गई है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पोजीशन की वजह से उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जब वो टॉप 3 में खेलता है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हो सकता है कि वो टॉप 3 में खेले तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए, पर यार एड्डी भी कोई एड्डी वड्डी एड्डी कोई वैलिड रीज़न नहीं आए। मैं मतलब प्लेयर जो होता है उसको परफॉर्म करना बनता है। इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड जो है वो आगे जा रही है भाई साहब, और अगर कल अगला मैच जो है पाकिस्तान आ जाए या शायद कल अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो फिर भी सीरीज़ जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ये भी बड़ी शर्म का मुकाम है भरावा कि आप सी टीम के साथ जो आपकी सीरीज़ हुई है आप वो बराबर करवा रहे हो यार। मतलब जीतना जितना सी वीरे, मतलब अच्छे भले लीड्स के साथ विन करते सीरीज चस आती, लेकिन मतलब की तुसी कीता है, की कर रहे हो तुसी उस्ताद, तुसी इस तरह किस तरह तुसी T20 वर्ल्ड कप खेलोगे? या अगर आप इस प्लेइंग इलेवन के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हो, इस एटीट्यूड के साथ जाते हो, इस बिहेवियर के साथ जाते हो, तो भरावा तुसी तो पहले राउंड भी जलील होकर बाहर आ जाना।